तो स्वागत है आप सभी का बस के एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी होने वाली है जैन ट्रेवल्स में। जैन ट्रेवल्स जो है एक जोधपुर का बहुत ज़्यादा वेल नोन ऑपरेटर है। आज अपनी जर्नी रहेगी जयपुर से जोधपुर, और जयपुर से जोधपुर अपन जैन ट्रेवल्स में जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जोधपुर जा रहा हूँ, मतलब जयपुर से जोधपुर इस रूट पर जर्नी बना रहा हूँ, क्योंकि जैन ट्रेवल्स मेरी एक फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉन ऑपरेटर, और मैंने इनकी लग्जरी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करी क्योंकि मैं पहले ट्रैवल भी करता था इनकी बस में। और दिखा दूँ आपको कैसा क्या रहता है, क्या फेयर रहता है, कहाँ से बोर्डिंग रहती है, सबको बता दूँगा, और कैसा स्टाफ वगैरह सब बता दूँगा आपको। तो करते जर्नी को स्टार्ट जयपुर से जोधपुर की। सबसे पहले बस देख लीजिए आप लोग, बस जो है स्लीपर बस है। और बस जो सबसे अच्छी बात है बस की कि जो अपनी जैन ट्रेवल्स से खुद की जो कोच कंपनी है, कोच बिल्डिंग कंपनी जैन जैनम कोच, वहाँ से बनी हुई है। मैं आपको बस पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार। अभी थोड़ी बोर्डिंग चालू होती है इसलिए मैं पहले बस बाहर से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए पीछे से जैन ट्रेवल्स लिखा हुआ है, और ये वेबसाइट वगैरह लिखी, ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो सब मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बस जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, अंदर से मैं एक बार देख के आ चुका हूँ। वैसे होनी भी चाहिए अच्छी, क्योंकि बस जो है खुद की मतलब खुद के कोच बिल्डिंग कंपनी से बनी, तो फिर अच्छी तो होगी ऑफकोर्स। बाकी आपकी ये देख लीजिए, ये अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये स्टाफ है अपने आज। आपका नाम सर? सर मेरा नाम जीवराज गौड़ है। ठीक है जी, ये स्टाफ है अपने, और इनसे अभी हम आगे बात करेंगे, अभी थोड़े से ये भी बिजी हैं। बस आपको दिखाता हूँ, बस वो फुल है अभी तो, इसलिए मैं देखता हूँ कुछ खाली स्लीपर अगर हो अभी तो, कोई बोर्डिंग ना हुई हो तो। खाली है, ब्लैंकेट वगैरह मिले हुए, अपना चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पे देख लीजिए आप लोग, और अच्छा खासा पैकेट्स मिला हुआ है अपने को, और यहाँ पे एसी का ब्लोर हो गया, और शूज़ वगैरह रखने के लिए शू रैक वगैरह बनी हुई है, बेडशीट बिछी हुई है अच्छे से क्लीन। और एक नीचे का स्लीपर दिखाता हूँ आपको, देखता हूँ कोई खाली हो तो पीछे से देख लीजिए। ये इनका जोधपुर में होटल भी है कल्तरू सिनेमा के यहाँ पे, जो मतलब रिपोर्टिंग पॉइंट लास्ट अपना जोधपुर में। ये भी होटल भी अच्छा है, मैं इसमें स्टे कर चुका हूँ, मैं पहले जोधपुर घुमा हुआ स्टे कर चुका हूँ उसमें, तो इसलिए नीचे का स्लीपर अभी कोई खाली मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको सुबह सुबह दिखाता हूँ अगर पॉसिबल होता है, नीचे का भी सब पैक है क्योंकि वही बस कोई पैक ही चलती है वाली। बाकी केबिन देख लीजिए आप लोग, केबिन भी अच्छा खासा बड़ा बना, टाटा की सिस्टम बस बनी हुई है। और बस मैं बताता हूँ कैसे क्या रहता है, बोर्डिंग पॉइंट वो दिखाता हूँ यहाँ से। ये बोर्डिंग पॉइंट अपना जैन पासवर्ड ट्रेवल्स रहता है यहाँ पे, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है बुकिंग वगैरह भी हो सकती है, और आप वेटिंग एरिया वगैरह बना हुआ है, और मतलब आप वेट कर सकते हैं यहाँ पे। और बस करते जर्नी का स्टार्ट, अभी जो है टाइम हो चुका है, बस निकलते हैं अभी। चलिए अभी जो हम निकल चुके हैं, अभी लगभग 50-60 किलोमीटर बाद दूर के यहाँ पे अभी अपना स्टॉप आएगा। और आपको बोर्डिंग पॉइंट बता दो, बोर्डिंग पॉइंट जो है अपने रहते हैं यहाँ से सिंधी कैंप से, आप बोर्ड कर सकते हैं जैन पासवर्ड ट्रेवल से, या फिर आप बोर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट 2 फीट बाईपास से, दोनों में से किसी भी जगह बोर्ड कर सकते हैं, ड्राइवर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता है। बाकी कैबिनेट में कुछ जैसे पॉसिबल होता है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ में। अपने को जो है बस में जैन ट्रेवल्स की बैजिंग हुई भी 500 ml पानी की बोतल मिल जाती है, जो कि नॉर्मल चीट है, तो हाँ अच्छा है। मैं अभी स्लीपर में बैठा थोड़ी देर, मैं कैबिनेट आपको दिखाता हूँ जैसे पॉसिबल होता है।
अभी जो है रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं लगभग दुदू के पास में और अभी होल्ट है अपना, जर्नी अच्छी चल रही है और एक दो चीज़ें मैं जो है बताता हूँ आपको जैसा रहता है, मतलब थोड़ा पीछे से बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़े से पैसेंजर वगैरह तो उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा, उनको वीडियो में दिखाऊंगा। तो एक दो चीज़ बता देता हूँ आपको, सबसे पहले तो फेयर वगैरह जो रहता है, फेयर जो है सीट का कुछ रहता है लगभग 400 रुपये या इतना कुछ, और स्लीपर अगर आप लेते हैं तो अभी जैसे अपनी बस वैसे फुल ए सी स्लीपर है, आपको वैसे सीटर प्लस स्लीपर बस भी मिल जाएगी जैसे आपको चाहिए, दोनों दो बस चलती है। स्लीपर का रहता है लगभग कुछ 550 से 600 रुपये, जो कि मैं मानता हूँ वर्थ है क्योंकि आप अगर कंपेयर करें RSRTC से तो थोड़ा सा सही रेट है, RSRTC में लगभग 740 रुपये रेट है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है मेरे हिसाब से। और क्योंकि क्या है ना, और दो तीन दिक्कत ये है कि आप उस बस वैसे वैसे तो वॉल्वो बस है पर सिटिंग बस रहती है, और सिटिंग में क्या है ना, वॉल्वो में आपको पता है कि आप उसको बस को सही से लीन, मतलब सीट्स को सही से लीन नहीं कर सकते क्योंकि यू नो थोड़ा सा क्या रहता है ना, पीछे वाले पैसेंजर को दिक्कत रहती है, पूरे फंस से जाते हैं वो, तो इस वजह से ऐसा रहता है। स्लीपर में आपके आराम से सो जाओ और अपना थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, आप जैसे सोना वैसे सोइए, और ये चीज़ अच्छी रहती है। तो मेरे हिसाब से स्लीपर अगर आप मेरा पूछे आपका क्या मतलब वो है, तो मेरा ये मानना है स्लीपर में आप अपने जाना चाहिए कि मेरे को अगर 740 रुपये देखे तो मेरे 200 रुपये बच रहे हैं लगभग, आप देखे तो अगर 550 रुपये या 600 रुपये टिकट लो तो 150 रुपये बच रहे हैं लगभग, ऑलमोस्ट 150 रुपये मेरे लिए वर्थ हैं अगर स्लीपर बस मिल रही हो तो। और बस यही है एक चीज़ मुझे समझ में, जो मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि टाटा की चेसिस है, और टाटा की चेसिस इतनी बढ़िया मतलब वो है कि इंजन वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको किसी को पता हो कि कैसे चेसिस पर फ़र्क पड़ता है तो बताइएगा मुझे, मतलब कि कमेंट्स में, कि चेसिस पर मतलब अलग अलग होने से इंजन वॉइस फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने लेक सिटी ट्रेवल्स की जर्नी करी थी थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से वो वीडियो थोड़ा बाद में आएगा, तो उसमें आप ये मानिए कि बिल्कुल इंजन की वॉइस इतनी, मतलब पूरे लास्ट स्लीपर तक आप इंजन की वॉइस सुन सकते हैं, ऐसा लग रहा था मतलब पूरे मतलब केबिन की आवाज़ और लास्ट की आवाज़ बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रही थी सब कुछ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत वाली लगी थी। इस बस में जो है बिल्कुल सही से मतलब मैं इवन केबिन में बैठा था, केबिन में मुझे सही से मतलब इंजन वॉइस नहीं आ रही थी, तो ये चीज़ अच्छी है कि मतलब पता नहीं कैसे इन्होंने, या तो भाई चेसिस का कुछ फ़र्क है या फिर भाई वही बात है कि अपने खुद ही कोच कास्टर है तो मुझे अच्छी वाली बस ही बनाई होगी इन लोगों ने, अच्छी वाली चेसिस ली होगी, तो ये चीज़ तो अच्छी है। बाकी बस मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ, मैं आपको पहले रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ क्योंकि फिर बस का वैसे टाइम तो मेरे ख्याल से अभी है 20 मिनट है अपने, बस मैं आपको दिखाता हूँ बस अभी सही से। देखिए यहीं पे जो है अपने राज ट्रेवल्स की बस खड़ी हुई है जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, ये देखिए, ये इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन दे दूँगा, ये देखिए अपने ड्राइवर भी वही है। कैसी लगी सर आपको वीडियो? वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर। देखिए अपने ड्राइवर भी वही है जो जिसके साथ वीडियो बनाई थी अपने, बस नंबर भी वही है 234, और दिखाता हूँ आपको जैसा भी रहता है कुछ। देख लीजिए यहाँ पे जो है पैक मटेरियल मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे जो सीटिंग का एरिया है, और क्या खाता हूँ और क्या क्या सब रहता है मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे अपन अगर कुछ देखता हूँ क्या क्या खाना पीना बताता हूँ आपको, है ना। मैं जो अभी सेव टमाटर और रोटी वगैरह खा रहा हूँ, साथ में सलाद भी है, टेस्ट वगैरह कैसे बताता हूँ मैं आपको खाने के बाद। तो बस हो गया था खाना पीना वगैरह मेरा, खाना वगैरह अच्छा था ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खाना तो क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ। मैं क्या वैसे ही रेस्टोरेंट जाता था संतोष रेस्टोरेंट नाम से, क्योंकि देखिए उदयपुर वाले जिसपे मैंने किया था, अभी जो एक बस गई थी वो उदयपुर वाले जिसपे मैं आया था, पर मैंने मोस्टली यहाँ पे डिनर तो कम ही किया था। बाकी अभी चलते अपन, जर्नी वगैरह अच्छी चल रही है अपनी, और मैं बस से तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगा था कि भाई टाटा की बस है तो भाई मैं आपको पता हर बार का वही होता है कि टाटा की बस में मुझे इंजन बहुत ज़्यादा आती है, पर इसमें पता नहीं कैसे कम है, मेरे ख्याल चेसिस का फ़र्क होगा, चेसिस अच्छी वाली होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि चेसिस भी बहुत ज़्यादा चेसिस की नॉलेज नहीं है। तो बस अभी करते हैं जर्नी कंटिन्यू, अभी मैं आपके स्टाफ से बट देखता हूँ एक बार और थोड़ी बात कर देता हूँ तो आप बस कैसा करते हैं। चलिए अच्छा, तभी बस के दोनों स्टाफ है, आपका नाम बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम गणपत, और आपका नाम? जीवराज गौड़। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, जैसे आप कितने सालों से मतलब बस वगैरह चलाते हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपको? करीब 25 साल हो गए। 25 साल से, अच्छा, और अपना क्या रूट रहता सर? रूट क्या रहता है, रूट मतलब कहाँ से होकर जाते हैं अपन? कहाँ कहाँ से होकर जाते हैं मतलब अपन? अच्छा, और लगभग सर कितना डीजल लग जाता है अपना एक राउंड में? 160-170 के आसपास। अच्छा, 160-170, और अभी जो है मेरे ख्याल से डीजल फुल होगा अपने बस फुल ही रहता है। अच्छा, मतलब नहीं, कहाँ से भराते मतलब अपने से? जोधपुर से भराते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए अपना, तो बस चलते हैं अपन, जर्नी कंटिन्यू करते हैं अभी, और अभी जो है अपन रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए रेस्टोरेंट, और बस चलते हैं अभी कंटिन्यू करें जर्नी को। चलिए
नंबर और हम आ चुके हैं कल्तरू शिमला। टाइम से पहले ही आ गए, ये बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे। मुझे अभी आगे बस मतलब लेनी है, तो ये मेरे लिए बहुत सही काम हो गया। मुझे अच्छा खासा मतलब कैब मिल जाएगा, तो ये चीज़ अच्छी है और जर्नी बिल्कुल अच्छी रही। और मैं एक्सपीरियंस करूँगा ड्राइवर्स जो हैं अपने बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि मतलब बातों से लग जाता है कि जैसे एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे फास्ट वगैरह नहीं चलाना और सही से मतलब ड्राइव करना, वो मुझे सेफ लगता है मेरे लिए और भी सबके लिए ऑफकोर्स। तो ये चीज़ है, और बाकी जर्नी अच्छी रही मेरी। रेटिंग्स वगैरह जो भी मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, और एक बार आपको अंदर से बस दिखा देता हूँ थोड़े से वापस, क्योंकि मैं रात को दिखा नहीं पाया सिंगल स्लीपर वगैरह जो थे, क्योंकि वही है कि थोड़ी सी बस फुल चल रही थी आज। तो ये तो अच्छी चीज़ है वैसे तो। बाकी यही है मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है अभी जैन ट्रेवल्स ही, और मैं जो फर्स्ट जर्नी करता हूँ हमेशा, वो मैं बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी रूट पर तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करके करता हूँ। स्टडी करके मतलब कि कौन सी कंपनी कैसी है या क्या है, तो चाहे वो उदयपुर जयपुर रूट हो या चाहे कोई भी हो, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और बाकी मैं आपको बुकिंग की डिटेल्स और जो भी रहता है वो अब मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आपको एक बार थोड़ा अंदर से बस दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं रात को आपको दिखा नहीं पाया था अंदर से बस। तो ये देख लीजिए एक बार, अपर स्लीपर मैंने आपको दिखाई देता, देख लीजिए यहाँ पे एक लोअर स्लीपर है ये।
डोर वगैरह लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट है, बैकरेस्ट वगैरह है और ब्लैंकेट्स भी है और अच्छा खासा गैप देगा सामान के लिए नीचे। बस यही है, एक बार आप भी ड्राइवर से बात करता हूँ। ये देख लीजिए केबिन भी देख लीजिए बस का, और आपको एक बार ऑफिस भी दिखा देता हूँ जो अपना जेंट है उसका जो ऑफिस है कल तरु सिनेमा, मतलब मेरे को एटलीस्ट पता, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता मेरे ख्याल से कल तरु सिनेमा, हाँ यहाँ पे कल तरु सिनेमा और सामने जस्ट जो है जैन ट्रेवल्स का ऑफिस है और ये जो है जैन ट्रेवल्स का ही होटल है जैन एक्सीलेंसी, इसमें स्टे भी कर चुका हूँ एक बार बहुत पहले। और बस यही है, यहाँ पे देखिए जैन ट्रेवल्स की गाड़ियाँ खड़ी सारी सारी, यहाँ पे ये जो इनकी टैक्सी वगैरह होती है ये भी रहती है और ये सब खड़ी हुई है। और ये अपनी जर्नी भी अच्छी रही बहुत ज़्यादा और गाड़ी भी अच्छी लगी मुझे, टाटा की गाड़ी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई टाटा की गाड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वाली है। और बस एक बार आपकी स्टाफ से बात कर देता हूँ, कैसी है जर्नी सर हमारे साथ, जर्नी अच्छी रही हमारे साथ आपकी, आपकी अच्छी रही कि नहीं रही? नहीं हमारी तो अच्छी रही, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा मिलके? नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये आपकी मैंने थोड़ी बात भी करी थी सर से और सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कभी आप आए इस जयपुर जोधपुर या जोधपुर जयपुर रोड पर तो इनसे ज़रूर मिलेगा, ठीक है सर? नहीं बस अभी वीडियो को एंड करता हूँ मैं और बस मैंने कोई दिखा दिया जो भी है फेयर वगैरह मैंने बता दिया आपको, और जो भी है कोई भी डाउट हो आपको या कुछ भी आपको मतलब क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना तो मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करूँगा कि जो भी रहता है। और बस यही है, मैं जो मैंने बोला रेटिंग वगैरह लिख दूँगा मैं, तो करता हूँ वीडियो को एंड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिए कि क्या बेटर हो सकता है और क्या आपको अच्छा लगा, और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। और चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन दबा के ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। मैं अभी जयपुर जोधपुरी और बाकी बहुत सारे रूट्स पे आपके लिए अच्छे से जर्नी से लेके आऊँगा तो आप वो देखिएगा। और बस यही है, आपने वीडियो देखा उसके थैंक यू, करता हूँ वीडियो को एंड, मिलते हैं हम लोग अगली जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।